वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में आपको पेन टेबलेट खरीदने से लेकर इंस्टॉलेशन करने तक की पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे आप इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह के वीडियो आप लोगों के सामने ला सकूं। यूं तो मार्केट में ऑनलाइन में आपको कई सारे कंपनी के पेन टेबलेट मिल जाएंगे, बट मुझे जो बेस्ट लगा वो मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। ये है वन बाय वेकम। इसका मॉडल नंबर है CTL472। अगर आप टीचर हो, आप ऑनलाइन क्लास करवाना चाहते हो, या आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो, या आप एनिमेशन करते हैं, तो ये जो प्रोडक्ट है पेन टेबलेट, ये आपकी बहुत ही मदद करेगी। ये तो मार्केट में बहुत सारे कई सारे पेन टेबलेट आपको दिखाई देंगे, पर आप जब खरीदने जाएंगे तो आप भी कंफ्यूजन हो जाएंगे कि उसमें से बेस्ट कौन सा है। तो ये जो पेन टेबलेट है, ये मेरे हिसाब से मुझे बेस्ट लगा। मैं यूज कर रहा हूँ इसे, और न्यूली मैंने परचेस किया इसे यूज करने के लिए, तो इसी का मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ कि आखिर ये इसमें क्या क्या मिलेगा इस पेन टेबलेट के साथ, और कैसे इसे हम लैपटॉप पर इंस्टॉल करके प्रॉपरली इसे हम चला सकते हैं। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो इसे आप आगे तक देखते रहिए। तो चलिए पहले से बॉक्स को खोल के देख लेते हैं। इसके अंदर और एक बॉक्स है, डब्बे को उठा देता हूँ साइड में, इसके अंदर देखते हैं क्या है। वैसे तो मैं पहले खोल चुका हूँ इसे, खोलकर अच्छे से मैं चेक कर लिया, समझ लिया। मैं वीडियो बनाने के लिए फिर से इसे दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये है पेन टेबलेट, ये रेड कलर है, और एक आता है ब्लैक कलर में भी आता है, बाकी रेड बहुत ही अच्छा प्यारा कलर है। तो इसे मैं साइड में रखता हूँ, पहले देख लेता हूँ डब्बे में और क्या है। ये कुछ मैनुअल्स वगैरह है, यूजर मैनुअल्स, इसमें आप पढ़ सकते हैं, तो इसके बारे में डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। और साथ में कुछ गाइड आपको दिया जाता है, जिसे आप कैसे लैपटॉप से कनेक्ट करना है, कैसे आपको यूज करना है, ये गाइड यहाँ पे दिया हुआ है। इसके पीछे देखिए डाटा केबल भी दिया हुआ है, USB केबल है, आप इसे लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ में दिया हुआ ये दो तीन निब्स है, ये पेन है, आप देख लीजिए पहले इसे, यही पेन है जिससे हम पेन टेबलेट में लिखेंगे और ये राइटिंग लैपटॉप में जाएगा। और यहाँ जो निब्स लगा हुआ है, ये देखिए ये लिखते लिखते घिस जाती है, तो इसके लिए यहाँ स्टेप में ये तीन निब्स दिए हैं, आप इसे चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने का जो प्रोसेस है आप गाइड में भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी दिया हुआ है कैसे इसे चेंज करना है। पेन में देखिए आप, यहाँ पे आपको दो बटन मिलेगा, ये जो बटन है इसका जो फंक्शन है, आप माउस के जो बटन है लेफ्ट बटन और राइट बटन, उसके फंक्शन के साथ इसे भी आप फंक्शन कर सकते हैं। मतलब ये माउस की तरह ही काम करती है, लेफ्ट बटन और ये राइट क्लिक वाला बटन। और बाकी इसे आप जैसे यहाँ पे चलाएंगे, जैसे आप माउस मूवमेंट करते हैं उसी तरह ये मूवमेंट होगा। ये बहुत ही काफी सेंसिटिव है, माउस की तरह ही पूरा प्रॉपरली काम करते हैं। पर माउस में क्या होता है, हम लोग कुछ लिख नहीं सकते हैं, पर इसमें आप अच्छे तरीके से पेन से आप लिख सकते हैं। तो इसे मैं लैपटॉप पे स्क्रीन पे आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दूंगा कि कैसे इसे इंस्टॉल करना है। इस पैकेट को भी खोल लूं, इसे भी दिखा दूं आपको। बहुत ही अच्छा फिनिशिंग में, और तो यहाँ पे दिया हुआ, आप यहाँ पे पेन रख सकते हैं, जब काम यूज नहीं होगा तो आप यहाँ पे पेन रख सकते हो, तो पेन गुमली नहीं होगी। और ये जो कलर है, कलर भी बहुत ही अच्छा है। तो चलिए आपको मैं लैपटॉप स्क्रीन पे ले चलता हूँ। तो चलिए आप बताते हैं कि आपको लैपटॉप पे इसे कैसे कनेक्ट करना है। तो पेन टेप पे आप देख लीजिए, एक तरफ दी गई है ये केबल लगाने के लिए, तो आप इसे यहाँ पे केबल लगा दीजिए। और दूसरा जो है USB पोर्ट, आप इसे लैपटॉप के USB पोर्ट में लगा दीजिए आसानी से। और जैसे ही आप लगाएंगे, एक साउंड आपको सुनाई दी होगी लैपटॉप में, जो इसे डिटेक्ट करने का एक साउंड आता है, फिर बीप साउंड लैपटॉप में आ जाता है। और आप यहाँ देख सकते हैं एक लाइट जल जाता है,
ये जो केबल है ये 5 वाट का सप्लाई वोल्टेज सप्लाई इसमें देता है इस पेन टेबल को चलाने के लिए, तो एक लाइट जल जाता है। इससे क्या होता है, समझ जाइए कि आप लैपटॉप से ये कनेक्ट हो चुका है, अब इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो पेन है आप पेन से तो आप इसे माउस की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं लैपटॉप स्क्रीन में, जैसे मैं इसे घुमा रहा हूँ तो यहाँ पे माउस काम कर रहा है। अब इसे चलाने के लिए पहले मैं पेंट खोल लेता हूँ, पेंट में आप ड्राइंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप इस तरह देखिए, मेरा ड्राइंग सही से नहीं हो रहा है, मतलब क्या है कि पेन टेबलेट आप देख लीजिए, ये जो पकड़ने का तरीका है, जो यूएसबी केबल है, आप इसको हमेशा अपने लेफ्ट साइड में रखिए अगर आप राइट हैंड से ड्राइंग करते हैं तो क्या होता है, देखिए आप थोड़ा सही तरीके से काम करेगा। फिर भी आप देखिए जो राइटिंग है मेरा उतना भी अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसे यूज करने के लिए पेन टेबलेट को लैपटॉप में ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा, जो वैकम कंपनी के वेबसाइट से हम लोग डाउनलोड करेंगे अभी और डाउनलोड करके दिखाएंगे। चलिए पहले तो हम ये देख लेते हैं कि विदाउट ड्राइवर इसे हम लोग यूज करेंगे तो इसकी क्या क्वालिटी आती है राइटिंग की। आप देख लीजिए, अगर मैं इसे लिखता हूँ तो मतलब लिख तो सकता हूँ पर इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आ रही है। तो अब मैं आप लोगों को ड्राइवर के साथ डाउनलोड करके फिर मैं इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो ड्राइवर डाउनलोड करने के लिए हम लोगों को पहले आप क्रोम ब्राउजर ओपन कर लीजिए और गूगल सर्च इंजिन में हम लोग टाइप करेंगे यहाँ पे 1/1/ वेलकम ड्राइवर डाउनलोड, इसे हम लोग टाइप करके एंटर मारेंगे। फिर जो पहली वेबसाइट आएगी ड्राइवर डाउनलोड, अब वेबसाइट देख लिया, www.wacom.com वेबसाइट है, आप इसे क्लिक करके ओपन कर लीजिए। तो वेबसाइट खुल चुकी है, यहाँ आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर मॉडल नंबर डाल सकते हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट है इसका मॉडल नंबर है CTL472, देखिए यहाँ पे आ चुकी है। इससे इस यहाँ पे आप क्लिक करके एंटर कर लीजिए, यहाँ पे जो है ड्राइवर शो करेगा। आप इसे मैक ओएस के लिए चलाना चाहते हैं या फिर विंडोज ड्राइवर है या मैनुअल वारंटी, ये भी यहाँ पे शो कर देगा, 1 ईयर का वारंटी भी आती है इस पे। और ओएस जो है मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस किस ओएस पे सपोर्ट करता है, ये विंडोज के सारे ओएस पे सपोर्ट करता है, यहाँ पे लिखा हुआ विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 और उसके अलावा भी मैक ओएस पे भी ये सपोर्टेड है। फिर आप हमें विंडोज के लिए डाउनलोड करना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए डाउनलोड विंडोज ड्राइवर, यहाँ पे आप क्लिक करिए, कॉन्फर्मेशन मांग रहा है, आप कॉन्फर्म करिए कॉन्फर्म डाउनलोड, देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। ये काफी छोटी सी फाइल है 38 MB की, तो आपके इंटरनेट के स्पीड के हिसाब से 10-15 सेकेंड्स में डाउनलोड हो जाएगा। तो फाइल हमारी डाउनलोड हो चुकी है, आप इसे डायरेक्ट क्लिक करिए यहाँ से, देखिए ये वेकम का ड्राइवर सॉफ्टवेयर भी रन हो रहा है। ये थोड़ा कुछ समय लेगी इंस्टॉलेशन में, तो इस प्रोसेस को मैं आपको थोड़ा फास्ट करके मैं दिखा दूंगा। एक्सेप्ट करिए इसे, जैसे इंस्टॉल होता है उसके बाद ये सक्सेस मैसेज आ जाता है। सक्सेस करने के बाद आप एक बार अपने सिस्टम को रिस्टार्ट कर लीजिए तो क्या होता है, जो भी ड्राइवर इंस्टॉल हुआ है वो प्रॉपर्ली सेट हो जाएगा पेन टेबलेट के साथ। तो लैपटॉप हमारी रिस्टार्ट हो चुकी है, अब ये होने के बाद हम लोग पेंट खोलेंगे। तो ये ड्राइवर हम लोगों का इंस्टॉल हो गया, अब हम लोग फिर से एक बार पेंट को खोल लेते हैं ड्राइंग के लिए। अब यहाँ देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कुछ, पहले देखिए लगभग पहले से काफी अच्छी राइटिंग हो रही है, अब इसे और भी अच्छा कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल मैं भी नया लिया हूँ इसलिए मुझे भी इतना प्रैक्टिस नहीं है, बाकी देखिए आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं काफी। ठीक है, तो इस तरह आप ड्राइवर इंस्टॉल करके आप जितना लिखेंगे जितना आप लोग इससे प्रैक्टिस करेंगे
उतना ही अच्छी क्वालिटी आप लोग को मिल जाएगी राइटिंग की। और बाकी इसके बारे में मैं बता देता हूँ, यहाँ देखिए आप पेन टेबलेट में आपको डॉट डॉट दिखाई देगी, ये जो डॉट डॉट है इस डॉट डॉट के अंदर ही आप लोगों को लिखना है। ये जो डॉट डॉट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपके जो कंप्यूटर स्क्रीन है उस स्क्रीन के साइज के हिसाब से ये एडजस्ट की हुई है। तो आप पेन को जैसे आप यहाँ पे लेंगे तो स्क्रीन की टॉप स्क्रीन में आपका कर्जर चला जाएगा, फिर यहाँ पे लेंगे तो बॉटम में आ जाएगा। ये सब ड्राइवर इंस्टॉल होने के बाद काफ़ी स्मूथली काम करेगी। तो ये है वन बाय वेलकम का पेन टेबलेट। इसकी और एक साइज आती है, जो ये जो मैं यूज कर रहा हूँ इसका साइज है 6x3.5 सेंटीमीटर, और जो और एक इंच की है ये, और जो दूसरी और एक आती है उसकी साइज है 8.5x5.3 इंच, इससे थोड़ी बड़ी रहती है। उसका भी मैं मॉडल आपको बता दे रहा हूँ, उसका मैं जो यूज कर रहा हूँ उसका मॉडल है CTL 472, और जो दूसरी इससे बड़ी साइज की आती है उसका मॉडल है CTL 672। तो आप ये मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके भी ऑनलाइन आप परचेस कर सकते हैं। तो इसका लगभग जो अमाउंट है वो 3500 से 4500 के बीच में ही है, तो अलग अलग साइट पे अलग अलग अमाउंट मिलेगा। तो अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और इस तरह का वीडियो मैं आप लोगों को हमेशा लाकर देते रहूंगा। अब बेल आइकन को आप क्लिक करिए ताकि आगे की और भी इस तरीके के वीडियो आपको डायरेक्टली मिल सके। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।